हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर के वीडियोस में। मैं हूं भगवत दांगी और आज है 3 अगस्त 2018। और 3 अगस्त 2018 की यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो विजिट कीजिएगा हमारी वेबसाइट को या हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लें। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आगे बढ़ने से पहले हमारे कोर्सेज के बारे में जानकारी। एमपीपीएससी 2019 के लिए वीडियो कोर्स, एमपीएसआई 2018 के लिए वीडियो कोर्स और संविदा वर्ग 2 वर्ग 3 के लिए वीडियो कोर्स अवेलेबल है। उसके लिए आप तो हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए या हमें कॉल कीजिए 09826590517 पर। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बात करेंगे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों की। हमने कल पहला प्रश्न पढ़ा था कि मंत्रिमंडल ने 7 राज्यों में कितने नए केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की है। तो यह स्वीकृति प्रदान की गई है 13 केंद्रीय विद्यालयों के लिए। दूसरा प्रश्न था कि वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस आकार की नई कोशिकाओं की खोज की है। तो ये जो इनका नाम है स्कूटोइड। तीसरा प्रश्न था कि अमेरिका ने किस आतंकवादी को वैश्विक आतंकवादी के रूप में घोषित किया गया है। तो इस आतंकवादी का नाम है अब्दुल रहमान अल दखिल। चौथा प्रश्न था कि केंद्र सरकार ने चीन और किस देश से सोलर सेल के आयात पर 25% संरक्षण शुल्क लगाया है, और ये जो देश है चाइना के साथ मलेशिया। पांचवा प्रश्न था कि जून में 8 जो कोर सेक्टर है उनकी वृद्धि दर कितनी रही। उसका सही उत्तर है 6.7%। छठवां प्रश्न है कि फॉर्च्यून 500 सूची में कितनी भारतीय फर्मों को शामिल किया गया है। तो ये जो है 7 भारतीय कंपनियों को इसके अंदर शामिल किया गया है। सातवां प्रश्न कल हमने पढ़ा था कि आरबीआई द्वारा रेपो रेट को बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है। तो ये किया है 6.50%। आठवां प्रश्न है कि जैव नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो ये राज्य है राजस्थान। नवा प्रश्न है कि किस राज्य सरकार द्वारा देश के वीरों के सम्मान में 14 अगस्त को शहीद सम्मान दिवस मनाया जाएगा। तो ये मनाया जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और दसवां अंतिम प्रश्न कल हमने पढ़ा था कि किसे 2017 के लिए उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार प्रदान किया गया है, और ये पुरस्कार प्रदान किया गया है भर्तृहरि महताब साहब को। ये थे हमारे कल के करंट अफेयर के प्रश्न। अब हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर के प्रश्नों के। आज का हमारा करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि किसके द्वारा वैश्विक गतिशीलता हैकथॉन, ये उसका नाम है मूव हैक, इसको लॉन्च किया गया। किस मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया या किस संस्थान के द्वारा। तो इसको लॉन्च किया गया नीति आयोग के द्वारा, याद रखिएगा। किसने लॉन्च किया, तो नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया है। अब हम देखते हैं इसकी डिटेल, आखिर क्या है ये और क्यों लॉन्च किया गया है। देखिए, नीति आयोग ने भारत के अंदर गतिशीलता का मतलब है परिवहन। तो परिवहन के भविष्य के उद्देश्य से कि भाई परिवहन में भविष्य में किस प्रकार से चेंजेस किए जाने हैं, और वैश्विक गतिशीलता हैकथॉन मूव हैक, नाम क्या है इसका, मूव हैक, इसका शुभारंभ किया। और विश्व के सबसे बड़े हैकथॉन्स में से ये एक है। उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य गतिशीलता यानी परिवहन से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका किस प्रकार अभिनव गतिशील और मापनीय समाधान लाया जा सके, यानी उनका किस प्रकार से समाधान किया जा सकता है। और इसमें जो 10 विजेता होंगे उनको 2-2 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी जो है उसमें पुरस्कार दिया जाएगा। हैकथॉन जो है सिंगापुर सरकार और भारत सरकार संयुक्त रूप से इसको चला रही है, और इसका संचालन कर रहा है हेकर अर्थ, एक संस्था है, इसके द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। अब हम यहां पर बात करेंगे नीति आयोग की, क्योंकि नीति आयोग का नाम आया है, ठीक है। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2015 को, और योजना आयोग के स्थान पर इसका निर्माण किया गया है। इसके उपाध्यक्ष है राजीव कुमार, याद रखिएगा। इसके उपाध्यक्ष की बात इसलिए होती है क्योंकि इसके अध्यक्ष, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और वो पदेन होते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके सीईओ की। इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत साहब। अब यहां पर दूसरा है हमारे, हम बात करेंगे सिंगापुर के बारे में, क्योंकि बात सिंगापुर की भी आई है। सिंगापुर की राजधानी क्या है, तो सिंगापुर सिटी सिंगापुर की राजधानी है। यह ऐसा कह लीजिए कि सिंगापुर एक छोटा सा देश है। यहां पर आप देख पाएंगे मैप के अंदर, तो छोटा सा देश यहां पर सिंगापुर है, जो मलेशिया है उसके जस्ट नीचे है, एक सिटी है। यहाँ की राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब, और ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं यहाँ की। जबकि प्रधानमंत्री की बात करें तो ली एच लूंग यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, और मुद्रा यहाँ की सिंगापुर डॉलर, और एक सिंगापुर डॉलर में 50 इंडियन रुपीज होते हैं। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। दूसरा प्रश्न जो राष्ट्रीय घटनाक्रम से है कि कहाँ पहली बार ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। तो पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है, और ये आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली के अंदर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, नई दिल्ली में आयोजन किया जा रहा है ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल। डिटेल देखते हैं इसकी। देखिए, ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल 3 अगस्त से 1 सितंबर तक चलेगा, और ये वर्ल्ड वाइड फंड WWF ऑडिटोरियम जो है नई दिल्ली के अंदर, वहां इसका आयोजन किया जाएगा। उद्देश्य क्या है कि स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित किया जाए, उसको बनाए रखा जाए, और उसमें जो है ड्रैगन फ्लाई जो होता है उसकी क्या भूमिका है और उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। यहां पर तस्वीर में आप ड्रैगन फ्लाई को देख सकते हैं।
और इस फेस्टिवल को कौन आयोजित कर रहा है? तो WWF इंडिया और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS इनके द्वारा इसको आयोजित किया जा रहा है। और ये इसमें एक दिन के लिए वैज्ञानिक बने या ड्रैगन फ्लाई के साथ एक दिन जैसे विशेष कार्यक्रमों को इसमें आयोजित करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं WWF इंडिया की। WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया, और इसकी स्थापना हुई थी 27 नवंबर 1969 को। उद्देश्य क्या है इसका कि जो प्रजातियां हैं जीवों की और भी जो प्रजातियां हैं उनका उनका संरक्षण किया जाए, उनके आवास का संरक्षण, जलवायु परिवर्तन वगैरह का काम करती है ये संस्था। WWF नाम याद रखिएगा। जबकि दूसरी संस्था यहां पर आई है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ये जो है 15 सितंबर 1883 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ इसका? मुंबई के अंदर। उद्देश्य क्या है इसका? भी वही उद्देश्य कि प्रकृति और प्राकृतिक जो संसाधन है उनका संवर्धन किया जाए और उसके ऊपर शिक्षा वगैरह पर ये काम करती है ये सोसाइटी। चलिए अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है कि उन्नत वायु रक्षा इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण कहां किया गया? तो याद रखिएगा इसका सफल परीक्षण किया गया अब्दुल कलाम द्वीप। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब्दुल कलाम द्वीप ये उड़ीसा के अंदर है और इसको पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था और 2015 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। और यहां पर जो है मिसाइल वगैरह के टेस्ट किए जाते हैं। चांदीपुर भी वहीं उड़ीसा में है लेकिन ये दूसरी साइड है, यहाँ भी जो है मिसाइल वगैरह के टेस्ट होते हैं, जबकि श्रीहरिकोटा जो है आंध्र प्रदेश के अंदर है और यहाँ से जो है रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। इनके बारे में आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप की। तो यहां से अंतर वायुमंडली मतलब वायुमंडल के अंदर ही जो उड़ान भरती है ऐसी उन्नत वायु रक्षा इंटरसेप्टर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। और ये जो है मात्र 100 किलोमीटर के नीचे वायुमंडल का भीतर का जो 100 किलोमीटर होता है उसी में उड़ान भरती है। और इसको स्वदेशी प्रौद्योगिकी से यानी कि जो हमारी खुद की टेक्नोलॉजी है उससे हमने विकसित किया गया है। और ये बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस है, BMD जिसे कहा जाता है, उसका भाग है। और ये जो मैक क्या होती है? ध्वनि की गति। ध्वनि की गति से 3 से 8 की गति से आने वाली मध्यम दूरी की जो बैलिस्टिक मिसाइल होगी उनको रोक सकती है। यानी कि ध्वनि की गति से अगर 3 मैक 3 या 3 मैक 8 से अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है तो उसको ये वहीं पर नष्ट कर सकती है। याद रखिएगा इसका जो है सफल परीक्षण किया गया है। अब हम बात करते हैं अब्दुल कलाम द्वीप की, यह जिसे व्हीलर द्वीप कहा जाता है। तो यहां पर आप मैप में देखिए ये यहां पर बिल्कुल समुद्र के अंदर यहां पर है ये द्वीप, ठीक है। व्हीलर द्वीप पहले नाम था इसका और अब्दुल कलाम द्वीप हो गया बंगाल की खाड़ी में और भद्रक जिले के अंदर। याद रखिएगा जिले का नाम भी पूछे तो आपको याद रखना है भद्रक जिला। चौथा प्रश्न है भारत और विश्व से कि सुषमा स्वराज जो है हमारी विदेश मंत्री पश्चिम एशिया के कितने देशों की यात्रा पर गई है? तो पश्चिम एशिया के 3 देशों की, ऑप्शन बी इसका सही है, 3 देशों की यात्रा पर गई है। देखते हैं कौन कौन से देशों की यात्रा पर गई है। तो ये 3 देशों की 4 दिन की यात्रा पर गई है और पहले चरण में सबसे पहले पहुंची है कजाकिस्तान और कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना ये वहां पर पहुंची है। कौन कौन से 3 देशों की जिनकी यात्रा करेंगी? तो सबसे पहले बात करेंगे कजाकिस्तान की यात्रा करेंगी, उसके बाद जाएंगी किर्गिस्तान और उसके बाद उज्बेकिस्तान। इन 3 देशों की यात्रा पर जाएंगी, वहां के जो विदेश मंत्री हैं उनसे वहां पर ये चर्चा करेंगे। अब हम मैप में देखेंगे आखिर इन 3 देशों की जानकारी क्या है। पहले हम कजाकिस्तान के बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। तो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना, राष्ट्रपति कौन है? तो नूर सुल्तान नजरबायेव ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं और मुद्रा है कजाकिस्तान टेंगे और 1 कजाकिस्तान टेंगे 1 इंडियन रुपीज में 5 कजाकिस्तान टेंगे होते हैं। वहीं दूसरा है किर्गिस्तान, किर्गिस्तान की राजधानी क्या? तो बिस्केक जो है किर्गिस्तान की राजधानी है। राष्ट्रपति यहाँ की सुरोनबे जीन बेकोव, मुद्रा यहाँ की किर्गिस्तानी सोम और 1 इंडियन रुपीज में लगभग 1 किर्गिस्तानी सोम होता है। वहीं तीसरा जो देश है जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है उज्बेकिस्तान, राजधानी इसकी ताशकंद, ताशकंद समझौता हुआ था याद रखिएगा ये वही देश है। राष्ट्रपति है यहाँ का, यहाँ के जो है शौकत मिर्जियोयेव और मुद्रा क्या है यहाँ की? उज्बेकिस्तानी सोम और 1 इंडियन रुपीज में 113 उज्बेकिस्तानी सोम होते हैं। तो किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान दोनों की जो है मुद्रा क्या है? दोनों की मुद्रा है सोम, याद रखिएगा, एक की उज्बेकिस्तानी सोम और एक की किर्गिस्तानी सोम। अब हम इसको मैप में देख लेते हैं 3 देशों को। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं यह है हमारा भारत और हमारे भारत से यदि आपको कजाकिस्तान किर्गिस्तान जाना है तो ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। यहां पर आप देखिएगा ये 3 देश हैं। ये है कजाकिस्तान, सबसे बड़ा देश कजाकिस्तान जिसकी राजधानी क्या है? ये अस्ताना इसकी राजधानी है। उसके नीचे देखेंगे तो यह है उज्बेकिस्तान और उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद यहां पर पड़ रही है। और उसके बाद तीसरा देश है किर्गिस्तान, ये जिसके जहां पर गई हैं, तो किर्गिस्तान इसकी राजधानी क्या है? बिस्केक। तो इन 3 देशों की यात्रा पर गई हैं, कजाकिस्तान,
उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान। अब इसी के नीचे आप थोड़ा सा आ जाएंगे तो यहाँ पर ताजिकिस्तान आ जाता है। कौन सा स्थान आ जाता है? ताजिकिस्तान। और ताजिकिस्तान के नीचे अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के बाद भारत की सीमा यहाँ पर लग जाती है पाकिस्तान होते हुए। तो इतना इसके विषय में हमको याद रखना है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पांचवा प्रश्न है भारत और विश्व से ही कि भारत और किस देश के बीच वित्तीय और तकनीकी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, और यह हस्ताक्षर किए हैं भारत और जर्मनी। याद रखिएगा, भारत और जर्मनी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। किन किन चीजों को लेकर हुए हैं? तो भारत और जर्मनी ने भारत जर्मन विकास सहयोग का ढांचा बनाया है, और उसके ऊपर 5,250 करोड़ रुपए के वित्तीय और तकनीकी सहयोग पर जो है समझौतों पर हस्ताक्षर दोनों देशों ने किए हैं। और ये जो सहयोग हुआ किसमें? बुनियादी ढांचा जो होता है उसके विकास में, शहरी गतिशीलता, गतिशीलता मतलब परिवहन, उसके विकास में, और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्र हैं उसमें इसको बढ़ावा दिया जाएगा। पर्यावरण और संसाधन जो है संसाधन संरक्षण भी इसके तहत किया जाएगा, तो इसमें काम किया जाएगा इन दोनों देशों के द्वारा। अब हम बात कर लेते हैं जर्मनी की। तो जर्मनी की राजधानी याद रखिएगा बर्लिन जो है जर्मनी की राजधानी। यहाँ की चांसलर कौन है? एंजेला मार्केल। और मुद्रा है यहाँ की क्या है? यहाँ की मुद्रा है यूरो, और एक यूरो के अंदर लगभग 80 इंडियन रुपीज होते हैं। यहाँ पर आपको देखेगा ये ग्रीन कलर के अंदर जो दिखाई दे रहा है ये है जर्मनी, ठीक है, ये जर्मनी है। डेनमार्क के नीचे की तरफ है। कहाँ है? डेनमार्क के नीचे की तरफ। आसपास के देशों को आप मैप में जरूर देख लीजिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है छठा, भारत और विश्व से ही है कि 2 दिवसीय भारत यूएस सैन्य सहयोग बैठक कहां शुरू हुई है। तो 2 दिन इसका आयोजन किया जाएगा, और यह शुरू हुई है नई दिल्ली के अंदर। याद रखिएगा, नई दिल्ली के अंदर 2+2 करके एक बैठक होनी है सितंबर के अंदर, और उसी की पूर्व तैयारियों को लेकर यह बैठक हुई है। आखिर क्या है? देखिए, इसमें सितंबर 2018 में निर्धारित है दोनों देशों के मध्य 2+2 वार्ता, और उसके प्रस्ताव के रूप में यह बैठक हुई है। 2 दिन की बैठक शुरू हो गई है, और इस बैठक में कौन कौन भाग ले रहे हैं? तो भारत की तरफ से रक्षा स्टाफ के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ, और इसके अध्यक्ष हैं चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी यानी कि CISC और लेफ्टिनेंट जनरल ब्रायन फेंटन, और डिप्टी कमांडर हैं ये, और इंडो पैसिफिक कमांड, इन दोनों ने इसकी सह अध्यक्षता की है, ठीक है। तो इनके अध्यक्षता में और सह अध्यक्षता में बैठक हुई है, और विदेश मंत्री हमारी सुषमा स्वराज, और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, और जो है अमेरिका के विदेश मंत्री और अमेरिका के रक्षा मंत्री, तो उनकी बैठक होगी सितंबर में नई दिल्ली में। 2+2 बैठक उसे कहा जाएगा, और इसके में जो है वो भाग लेंगे, तो याद रखिएगा इस चीज को। अब इसमें हम बात कर लेते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी है। डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। राष्ट्रपति यहाँ के डोनाल्ड ट्रंप, और मुद्रा क्या है? अमेरिकन डॉलर, और एक अमेरिकन डॉलर के अंदर लगभग 68 इंडियन रुपीज होते हैं। ये जो दिखाई दे रहा देश ये है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, और यहाँ पर ये मुख्य भूमि है, और ये जो है अलास्का जो कि रशिया से खरीदा गया था, ये भी इसी का पार्ट है, अमेरिका का ही भाग है। 50 राज्य हैं कुल इसके, याद रखिएगा। सातवां प्रश्न है कि कौन सा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। याद रखिएगा, राज्य घटनाक्रम से है तो ऊर्जा दक्षता सूचकांक अभी जारी किया गया है, और इसमें आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है, उसके बाद केरल, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद पंजाब। डिटेल देखते हैं आखिर क्या है इसमें। देखिए, ऊर्जा दक्षता यानी ब्यूरो यानी BEE द्वारा ये जारी किया गया है, और इसके सूचकांक में आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान, ये फ्रंट रनर जो राज्य होते हैं उनकी अलग अलग श्रेणियां बनाई गई हैं, जैसे फ्रंट रनर श्रेणी है, सफलता श्रेणी है, प्रतियोगी श्रेणी है, और महत्वाकांक्षी श्रेणी है, इसमें बांटा गया है। तो इसमें सबसे फ्रंट रनर श्रेणी में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे रहा है। सूचकांकों की बात करें तो इस सूचकांक के अंदर राज्यों की नीतियां जो कि ऊर्जा दक्षता को लेकर है, विनियमों यानी कि जो नियम वहां कर रहे हैं, वित्त पोषण तंत्र किस प्रकार से उसको वहां सहायता दी जाती है, वित्त सहायता, और संस्थाओं की क्या क्षमता है, इसकी ये जांच करता है, और उसके आधार पर ऊर्जा दक्षता के अंदर ये इंडेक्स जारी किया गया। अब हम बात कर लेते हैं आखिर ये ऊर्जा दक्षता है क्या। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशियंसी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मार्च 2002 की इसकी स्थापना हुई थी। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत इसकी स्थापना हुई थी, और इसका काम क्या होता है? इस अधिनियम के तहत ढांचा किया गया है जिसमें ऐसी नीतियों का विकास करता है जिसके द्वारा जो भारत की अर्थव्यवस्था में है उसमें ऊर्जा की खपत को कम से कम किया जा सके। आपने देखा होगा BEE लेवल जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते हैं उनके ऊपर स्टार बनाकर देता है, उससे पता चलता है कि कोई सा भी जो गैजेट है वो कितना कम जो यूज करता है बिजली का। आठवें प्रश्न की हम बात करते हैं पुरस्कार और सम्मानों से है कि किस भारतीय मूल के गणितज्ञ ने जो है प्रतिष्ठित क्षेत्र पदक जीता है। ठीक है, किसने ये जीता है? तो इनका नाम है अक्षय
वेंकटेश, अक्षय वेंकटेश। और ये जो है गणित में दिया जाता है और इसे गणित का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। आखिर इसमें डिटेल देखते हैं इसकी क्या है। तो अक्षय वेंकटेश जो है भारत के मूल निवासी हैं और भारतीय मूल के हैं और ऑस्ट्रेलिया के निवासी हैं और गणितज्ञ हैं। इनको फील्ड पदक के जो है चार विजेताओं में से एक इनको घोषित किया गया है। हर 4 साल में इसका आयोजन किया जाता है, इसमें से 4 में से एक इनको घोषित किया गया है और 40 साल से कम उम्र के जो गणितज्ञ होते हैं उनको ये सम्मान दिया जाता है। अब हम बात करते हैं फील्ड मेडल की। तो 1936 में इसको स्थापित किया गया था। कनाडा के जो है गणितज्ञ हैं जॉन चार्ल्स फील्ड, उनके अनुरोध पर इसका स्थापित किया गया था और हर 4 साल में इसको दिया जाता है और इसे गणित के नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इतना हमको उसके बारे में याद रखना है। बात करते हैं अब हम 9वें प्रश्न की। तो किसे हिंदी साहित्य अकेडमी, ये दिल्ली की हिंदी साहित्य अकेडमी याद रखिएगा, दिल्ली राज्य सरकार की, भारत की नहीं, उसके सलाका सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया जावेद अख्तर साहब को। जावेद अख्तर प्रसिद्ध गीतकार, गजलकार, आपने सभी को इनके बारे में आप जानते हैं। जावेद अख्तर के इसकी बात करते हैं तो दिल्ली सरकार की हिंदी अकेडमी, उसने सलाका सम्मान से मशहूर शायर गीतकार जावेद साहब को सम्मानित किया है। और रंगमंच की दुनिया के प्रसिद्ध निर्देशक हैं, अभिनेता हैं एम के रेना, इनको जो है शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया। ये 2 सम्मान इनके द्वारा हिंदी अकेडमी, दिल्ली की हिंदी अकेडमी के द्वारा प्रदान किए गए हैं। अब हम बात करते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, अरविंद केजरीवाल आप सभी जानते हैं, और उपराज्यपाल हैं के अनिल बेजल साहब। तो ये 2 चीजों को भी हमें याद रखना है दिल्ली के बारे में। बात करते हैं 10वें और अंतिम प्रश्न की। तो किसने छठा हंगरी फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जो है जीता है, तो इनका नाम है लुइस हैमिल्टन साहब, लुइस हैमिल्टन ने जीता है। देखते हैं इसकी आखिर डिटेल क्या है। तो मर्सिडीज के संचार जो है चालक है लुइस हैमिल्टन। मर्सिडीज क्या है, ये टीम का नाम है। तो इसमें हंगरी में हंगारी हंगरिंग सर्किट में 6ठी प्रतियोगिता जीती है। 6ठी बार इस प्रतियोगिता को उन्होंने जीता है, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता को। और कुल अपने करियर में ये 67 इनकी जो है जीत है। और फॉर्मूला 1 की अगली दौड़ जो होने वाली है वो बेल्जियम में होगी, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स होगी और ये 26 अगस्त 2018 को उसको आयोजित किया जाएगा। इतना हमको इसके विषय में याद रखना है। बात करते हैं हंगरी की। तो हंगरी की राजधानी क्या है, बूडापेस्ट। हंगरी एक यूरोपियन कंट्री है और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं विक्टर अरबन साहब और मुद्रा है यहाँ की फॉरिट डॉलर, फॉरिट है यहाँ की मुद्रा, और 1 इंडियन रुपीज में लगभग 4 फॉरिट होते हैं। इतना हमें याद रखना है। और यहाँ पर जो देख रहे हैं ग्रीन कलर में, ये हंगरी है। आज के करंट अफेयर के प्रश्न होते हैं यही समाप्त। हम बात करेंगे मैं भी ज्ञानी प्रतियोगिता 82 उत्तर उसके विजेताओं की। हमने प्रश्न पूछा था कि निम्न में से कौन 8 कोर उद्योगों में शामिल नहीं है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन है डी, ई कॉमर्स इसमें शामिल नहीं है। सही उत्तर देने वालों में पहला नाम है न्यूटन रॉज गया बिहार से, दूसरे हैं प्रमोद कुमार चंदेल राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, तीसरे हैं अभिनव कटियार लखनऊ उत्तर प्रदेश से, चौथे हैं अविनाश नांदेड़ महाराष्ट्र से, और पांचवें हैं राम विवेक पटेल खजुराहो मध्य प्रदेश से। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और आप भी चाहते हैं आपका नाम यहाँ पर आए तो दीजिए इस प्रश्न का उत्तर। हमारा प्रश्न है कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है, ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी लंदन या ऑप्शन डी मुंबई। उत्तर देते समय सबसे पहले अपना उत्तर लिखें, उत्तर के बाद अपना नाम लिखें और नाम के बाद अपना शहर और प्रदेश का नाम जरूर लिखें। आज का वीडियो हम करेंगे यहीं समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।